नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ग्रो पूंजी में। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इनसाइडर ट्रेडिंग पता करके किस तरह हम शॉर्ट टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, सेम उसी तरह एक और स्टॉक लेके आया हूं मैं आपके लिए जो इस टाइम पे चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस स्टॉक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसने लास्ट 10 डेज में 50% से भी ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। हाँ दोस्तों, लास्ट 10 डेज में 50%। मैं बात कर रहा हूँ टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स में कुछ टाइम पहले रिजल्ट आया कि टाटा मोटर्स का सेल्स इंक्रीज हुआ है, बट उससे पहले क्या हुआ ये मैं आपको दिखा देता हूँ। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने टाटा मोटर्स के शेयर्स बाय किए 1 दिसंबर 2020 को, 22 लाख शेयर्स बाय किए। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड टाटा मोटर्स के कंटिन्यू शेयर्स बाय करती जा रही है। आप इसके रिकॉर्ड देख सकते हो। सबसे पहले टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने 4 सितंबर 2020 को शेयर्स बाय किए टाटा मोटर्स के, उसके बाद 23 सितंबर को बाय किए और अभी 1 दिसंबर 2020 को, 1 दिसंबर 2020 को टाटा मोटर्स के स्टॉक की प्राइस चल रही थी 186-187 और आज इस स्टॉक की प्राइस चल रही है 300। हमने इस स्टॉक में एंट्री ली थी, आप देख सकते हो, 11 जैन 2021 को। हमने इस न्यूज को देखकर या इस इनसाइडर ट्रेडिंग को देखकर हमने एंट्री ली थी 11 जैन को। 11 जैन 2020 को इस स्टॉक की प्राइस चल रही थी 200। हमने ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट बुक कर लिया है। आप भी इस तरह इनसाइडर ट्रेडिंग पता करके एक अच्छा मुनाफा या अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।